Assalamu alaikum. Good morning, children. How are you all? Yes, perfectly fine. Very good. Okay, children. Now we are going to do a very nice activity. Would you like to do this? Yes, very good. चलिए जी, इसका मतलब है कि आप लोग रेडी हैं और हम लोग जो है अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं. कल की एक्टिविटी कर ली थी आप लोगों ने, काम कंप्लीट कर लिया था, टीचर को भेज दिया था. वेरी गुड, शाबाश, दैट्स लाइक माई गुड गुड फ्रेंड्स, है ना भाई. चलें जी, अब आप आज क्या करने वाले हैं, आज हम खोलेंगे अपना पेज नंबर 27 और 27 पे हमारे पास चैप्टर नंबर 4 चल रहा है साइंस का, और चैप्टर का नाम है किटन एंड चूचू. यस, किटन एंड चूचू हमारे पास मौजूद है पेज नंबर 27, और उस पर एक्टिविटी मौजूद है अंडरस्टैंड की. एक्सरसाइज है मेकिंग क्वेश्चन. जी, क्वेश्चंस बनाने हैं हम लोगों ने हमारे इंटेलिजेंस स्टूडेंट्स को, मेरे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स को. क्या करना है जी, मेकिंग क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चंस बनाने हैं. आंसर्स मौजूद हैं और आंसर्स के हम क्वेश्चंस बनाएंगे और मैं आपकी इसमें हेल्प करूंगी. ठीक है जी. सम क्वेश्चन स्टार्ट विद डू डज. एग्जांपल, डू यू ईट मैंगो, डज ही ईट मैंगोज. यानी कि हमारे पास आज जो क्वेश्चन मेकिंग है उसमें हम जो वर्ड यूज करेंगे वो होगा डू और डज. यस, वेरी गुड. अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब हम क्वेश्चंस बनाते हैं तो क्वेश्चन में लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं क्या, क्या लगाते हैं? Yes, very good. Question mark लगाते हैं. जब हमारा question end होता है तो हम question के question mark लगाते हैं. Very nice. चलिए जी, start करते हैं. हमारे पास पहला answer मौजूद है यहाँ पे जी. Answer number 1 मौजूद है. चूचू is a little chick. चूचू is a little chick. और इसमें bracket में है जो word वो है who. Yes. Who को यूज करते हुए हमने जो है क्वेश्चन बनाना है, तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन इसका बनेगा Who is Chuchu? Who is Chuchu? क्वेश्चन मार्क. यस, वेरी गुड. Who is Chuchu? क्वेश्चन मार्क. हमारा आंसर नंबर 2 है Chuchu has a beak. चूचू हैज अ बीक. हमारे पास वर्ड मौजूद है जिसको यूज करते हुए हमने क्वेश्चन बनाना है, और हमारा वर्ड मौजूद है हु हु हु. तो हमारा क्वेश्चन बनेगा हु हैज बीक क्वेश्चन मार्क. हु हैज बीक क्वेश्चन मार्क. यस, हमारे पास दो क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं. अब हमने क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन पे जाना है. वेरी गुड. यस, I like meat and grains. Yes, I like meat and grains. अब हमने इसका क्वेश्चन बनाना है जिसके लिए कौन सा वर्ड यूज करना है. वेरी गुड. डू डू डू. वेरी गुड. तो हमारे पास क्या क्वेश्चन बना है इसमें, डू यू लाइक मीट एंड ग्रेन्स? Do you like meat and grains? Very good. Question mark. Answer number 4 मौजूद है. Yes, cat likes meat and milk. Yes, cat likes meat and milk. Question बनाना है. Word हमने use करना है does. Does. So question बनेगा हमारा, does cat like meat and milk? Does cat like meat and milk? Question mark. जी, इस तरह से हमने क्या किया, हमने जो है क्वेश्चन मेकिंग करी, है ना. कितना इजी काम है ना. वेरी गुड. चलिए आगे देखते हैं कि एक्सरसाइज में क्या है. रिटेल टॉपिक, रिटेल टॉपिक मौजूद है. रीड एंड नंबर इन करेक्ट ऑर्डर. हमारे पास ये कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जंबल होके, इनकी जो है सीक्वेंस नहीं है, इनकी नंबरिंग नहीं है. हमने देखना है अपने चैप्टर के हिसाब से कि इसकी नंबरिंग क्या क्या होगी, इसका ऑर्डर क्या होगा. पहले पढ़ते हैं कि ये सेंटेंसेस क्या हैं, ठीक है, उसके बाद इसकी नंबरिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर. यस, चलिए स्टार्ट करें. पहला है हमारे पास आई वॉज बॉर्न. ओके. आई एम अ ह्यूमन. ओके. हु आर यू. ओके. आई एम नॉट अ बर्ड. जी, यानी कि इसमें चार हमारे पास सेंटेंसेस मौजूद हैं, फोर सेंटेंसेस मौजूद हैं, इनकी हमने ऑर्डरिंग करनी है, नंबरिंग करनी है. तो इसमें फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा भाई जी? सबसे पहले आएगा हु आर यू.
नंबर वन पे आएगा हु आर यू क्वेश्चन मार्क। नंबर वन पे हमारा इस पे आप नंबरिंग करेंगे वन। सेकंड पे हमारा आएगा आई एम नॉट अ बर्ड, ये आएगा नो। इसमें आएगा आई एम अ ह्यूमन, आई एम अ ह्यूमन, वेरी गुड, मैं ह्यूमन हूँ। और सेकंड पे हमारे पास ये आ गया। और थर्ड पे क्या आएगा, I am not a bird. I am not a bird. Very good. I am not a bird. और उसके बाद क्या आएगा बर, I was born. I was born. I was born. Very nice. यानी कि हमने इसमें नंबरिंग करी। अब इसके बाद क्या आता है भाई, आगे देखते हैं। हमारे पास आ रहा है टीचर सेलेक्ट द सुइटेबल टाइटल, यानी कि हमारे पास जो ये चैप्टर मौजूद है इस चैप्टर में इसका टाइटल क्या होगा भाई, क्या होना चाहिए इसके अंदर टाइटल, वो देखते हैं। हमारे पास मौजूद है टिक का निशान लगाना है, राइट का निशान लगाना है, ठीक है जी। चले मैं पढ़ती हूँ पहले, फिर आप सोचिएगा समझिएगा और फिर मुझे बताइएगा क्या है। डिफरेंसेस बिटवीन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, नहीं भाई। Differences between chick, kitten and human, जो इसका टाइटल है जो इसमें मौजूद है, जो हमने डिस्कस किया है इसके उसके हिसाब से क्या टाइटल होना चाहिए। Differences between moon and star, या फिर differences between seasons। इस चैप्टर में जो हमें बताया गया है, जिस चीज़ें को, जिस टॉपिक को डिस्कस किया है उसके अकॉर्डिंग इसका टाइटल क्या होना चाहिए इस चैप्टर का। Differences between सीजन्स, नहीं। फिर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, नहीं। फिर डिफरेंसेस बिटवीन मून एंड स्टार, इसका डिफरेंस बताया गया इसमें, नहीं। फिर किसका बताया गया भाई, यस वेरी गुड, डिफरेंसेस बिटवीन चिक किटन एंड ह्यूमन। तो हम यहाँ पे डिफरेंसेस बिटवीन चिक किटन एंड ह्यूमन पे टिक का निशान लगाएंगे, राइट का निशान लगाएंगे, वेरी गुड। इसके बाद है हमारे पास दिस चैप्टर इज अबाउट, ये चैप्टर हमारा किसके बारे में है। फ्लावर्स एंड ट्रीज, क्या फ्लावर्स एंड ट्रीज के बारे में है। टीचर एंड स्टूडेंट, टीचर स्टूडेंट के बारे में है, हमारे बारे में, नहीं भाई। चूचू किटन एंड अहमद, देखते हैं और आगे भी देखते हैं अभी। गार्डन एंड जंगल, गार्डन एंड जंगल, यानी कि बताइए इन चारों में से ये चैप्टर जो है वो किस टॉपिक के बारे में है। वेरी गुड, चूचू किटन एंड अहमद, यानी कि हम चूचू किटन और अहमद पे राइट का निशान लगाएंगे, वेरी गुड, शाबाश। अब क्या करेंगे अब आप ये करेंगे कि इस वीडियो को बार बार देखेंगे, बार बार देखेंगे, ठीक है जी। जब आप रिपीटेडली इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ जाएंगी, और अब जब आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ जाए, अंडरस्टैंड हो जाए, तो फिर आप ये काम कंप्लीट कीजिएगा, एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिएगा, पेंसिल शॉप कीजिएगा, ठीक है जी। और उसके बाद जब टीचर आपको कॉल करेंगी तो आप उन्हें बताइएगा कि आज हमने जो है वो एक्टिविटी की है, उस एक्टिविटी की आपने पिक्चर जो है अपनी टीचर को सेंड कर देनी है। कल हम मिलेंगे न्यू एक्टिविटी के साथ, अल्लाह हाफिज़।